आपके साथ। राहुल गांधी के अमेरिका में दिए बयान को लेकर शनिवार को भाजपा ने कर्नाटक में FIR करवाई है। यह शिकायत बेंगलुरु के हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन में की गई है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस नेता SC ST OBC और सिख समुदाय को निशाना बनाकर बांटने वाली पॉलिटिक्स कर रही है। ऐसे में उनकी विभाजनकारी नीति की जाँच होनी चाहिए। इससे पहले राहुल के खिलाफ UP और छत्तीसगढ़ में भी FIR दर्ज हो चुकी है। राहुल ने अमेरिका दौरे के समय आरक्षण और सिख समुदाय को लेकर बयान दिया था। इसी के खिलाफ भाजपा नेता विरोध जता रहे हैं। हालांकि राहुल का कहना है कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया है। राहुल ने शनिवार को फिर अपने बयान को सही बताया। उन्होंने भाजपा पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। राहुल ने कहा कि हमेशा की तरह भाजपा उनके बयान को गलत पेश कर रही है। BJP हमेशा ही झूठ का सहारा लेती है। राहुल ने अमेरिका में दिए स्टेटमेंट का वीडियो पोस्ट करते हुए सिख समुदाय से सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि क्या मैंने कोई गलत स्टेटमेंट दिया है। दरअसल 10 सितंबर को अमेरिका में राहुल ने कहा था कि भारत में सिख समुदाय के बीच इस बात की चिंता है कि उन्हें पगड़ी कड़ा पहनने की इजाज़त दी जाएगी या नहीं। राहुल से आरक्षण पर भी सवाल पूछा गया था। तब उन्होंने कहा था कि कांग्रेस तभी आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेगी जब देश में सभी को समान अवसर मिलने लगेंगे। फिलहाल भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। इसी के साथ बने रहे एशियन न्यूज़ इंडिया के साथ।